हे एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो आज ना मैं बहुत बेमन से लंच बनाने आई हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था लंच बनाने का, जबरदस्ती बना रही हूँ और ना लंच बनाने के चक्कर में थोड़ी सी खटपट भी हो गई घर में। क्या करूँ, हम हाउसवाइफ की किस्मत इतनी अच्छी तो है नहीं कि एक दिन भी बैठे खाने को मिले, सारे काम करने ही पड़ते हैं। छुट्टी तो शायद भगवान हम लोगों की कुंडली में लिखना ही भूल गया था कि हाउसवाइफ को छुट्टी कभी नहीं मिलनी है, और छुट्टी का एक्स्ट्रा वेतन भी नहीं मिलता है। जस्ट अ जोक। और यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ और यहाँ पर बनाऊंगी आज मैं मिक्स दाल, इसको मिलौनी दाल भी बोलते हैं, पंचमेल दाल भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको मिक्स दाल बोलते हैं और मिलौनी दाल भी बोला जाता है। तो ये मार्केट में जो आती है ना मिक्स की हुई पैकेट में, तो ये वही वाली दाल है। और घर में रखी हुई थी कई तरह की दाल, लेकिन मैंने कहा चलो ये पैकेट की दाल रखी थोड़ी सी, इसको भी इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना दाल को मैंने भीगने के लिए रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे में जब तक दाल भीगेगी ना, तब तक मैं रसोई के और भी काम कर लूंगी, लंच की प्रिपरेशन कर लूंगी सारी। तो यहाँ पर देखिए, परवल आलू की सूखी सब्जी बनाऊंगी। तो परवल पील कर लिए हैं। परवल को ना मैं ऐसे ही पील करती हूँ नाइफ से, थोड़ा सा रब कर देती हूँ और इसका ना छिलका उतारा नहीं जाता है, केवल हल्का सा इसको ना क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में, हरेतना। तो इस तरह से नाइफ से कर देती हूँ। और उसके बाद में आलू, आलुओं को देखिए मैं बिल्कुल ना एकदम बारीक कट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा भुजिया वाला टेक्सचर में आए। और यहाँ बारीक परवल को भी मैं बारीक कट कर ले रही हूँ। सोच रही थी कि आज मुझे लंच ना बनाना पड़े, आज मेरा मन नहीं कर रहा था। हो जाता है ना कभी कभी कि थोड़ा सा कभी कभी उलझन सी होती है या टायर्ड फील करते हैं, मन नहीं होता कभी कभी करने का। तो यही सब चीजें मेरे साथ में थी, मेरा मन नहीं था। मैं सोच रही थी आज ना बनाना पड़े ना बनाना पड़े, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत हम हाउसवाइफ लोगों की कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, सब्जी भी कट कर ली है, सब्जी को वॉश करके रख दिया है, दाल भीग रही थी और मैंने आटा वगैरह भी रख लिया है। तो यहाँ पर दाल भीग चुकी है, दाल को वॉश कर लूंगी। और कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ ही साथ सब्जी के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ था। और दाल को ऐड कर दिया है गर्म पानी में। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दाल को गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और मैंने गैस भी मतलब कढ़ाई और कुकर चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे भी बार बार ना कैमरा इधर उधर फोकस करना पड़ता। और दाल में जब तक अच्छे से झाग नहीं उठ जाएगा ना, तब तक मैं दाल को ऐसे ही धीमी आंच में रखे रहने दूंगी, बनने दूंगी। और यहाँ पर जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं सब्जी के लिए प्याज कट कर लूंगी और दाल के लिए भी प्याज निकाल लूंगी, छील करके रख लूंगी। जब भी पता है लंच बनाने में टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन मेरी क्या कोशिश रहती है कि मैं जैसे ना थोड़ा थोड़ा काम करके नहीं लगाती हूँ तैयारी, मैं ना एक साथ सारे काम शुरू कर देती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, तेल गर्म हो गया था तो मैंने जीरा ऐड कर दिया था, साथ ही साथ हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दिया था। आज की ना मिर्च इतनी तीखी थी, इतनी तीखी थी, हल्की सी कट करते समय हाथ में टच हो गई और मैंने ना मुंह में थोड़ा सा हाथ छू गया फेस में, और इतनी जलन होने लगी, एकदम भड़बड़ आ गई थी मैं तो। अभी यहाँ पर देखिए, प्याज सॉटी हो गया है तो इसमें ऐड कर दे रही हूँ परवल। जब भी मैं परवल आलू की सब्जी बनाती हूँ, चाहे ग्रेवी वाली बनाऊं या फिर सूखी बनाऊं, तो परवल को हमेशा पहले भून लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, परवल की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और मुझे ना जो आलूओं के साथ परवल ऐड कर देते हैं बिना फ्राई किए हुए, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पर परवल अच्छे से भून लिए थे, इसके बाद में आलूओं को ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए, दूसरी तरफ कुकर में बहुत अच्छे से झाग उठ गया है, तो झाग को उतार लेंगे और दाल में जो बेसिक मसाले हैं ना वो ऐड कर देंगे। क्या होता है ना कि जब हम लोग घर में दाल मिक्स दाल का मेजरमेंट करके निकालते हैं ना, तो उसमें ना हम लोगों को जो दालें ज्यादा पसंद होती हैं, तो वो हम लोग अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लेते हैं। पैकेट वाली तो उसमें तो सब मिक्स करके आती है, जैसी जो हाथ में आएगी आपको वैसे ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, मैंने ना पहली या दूसरी बार मंगाई है, मैं ज्यादा नहीं मंगाती हूँ, घर में सब तरह की दालें रहती हैं तो मैं वही यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ना लहसुन कूट लिया है क्योंकि लहसुन को ऐड करूंगी दाल में।
और इसी में मैं प्याज भी कट करके ऐड कर दे रही हूँ, साथ ही साथ जो बेसिक मसाले हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, इनको भी ऐड कर दिया है। और आज मैं बताऊँ, बेमन से लंच बना रही थी ना, तो ये गड़बड़ तो होनी ही थी। तो यहाँ पर वो जो नमक कंकड़ वाली आती है ना, वो वाली मैंने ऐड की हुई है, और बस मेरा दिमाग ऐसा ही था, आज मेरा मन नहीं था। और जब इतना बेमन से काम किया ना मैंने, तो नतीजा ये हुआ कि दाल में नमक ज्यादा हो गया। हालांकि डांट नहीं पड़ी, वरना मैं तो सोच रही थी आज यही काम से। दाल बनने के लिए रख दी है, कुकर की लीड लगा दी है, एक तरफ यहाँ सब्जी भी अच्छे से भुन गई थी, इसमें भी मैंने ना गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और इसमें भी देखिए गड़बड़ ये हुई ना, सब्जी पूरी बन गई और मैं नमक ऐड करना भूल गई। देखिए मैंने नमक ऐड नहीं किया हुआ है, मतलब दाल में नमक ज़्यादा हो गया और सब्जी में नमक ऐड करना ही भूल गई। तो क्या बताऊँ, मैंने लंच बेमन से तो बनाया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने मन से बनाया था, मैंने बेमन से बनाया था, और ऐसा ही शेयर भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जब सब्जी पूरी बन गई है ना, सबसे लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया हुआ है, नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे, ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी के साथ में। तो ये लीजिए, सब्जी बन गई है। और खैर बच गई, खाने में खाना तो अच्छा बना हुआ था, बस थोड़ा नमक का ही हेडक हो गया, दाल में तेज हो गया, और सब्जी में तो खैर परफेक्ट था। पर क्या करती, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने ना बेमन से बनाया है, वरना मेरी और ज्यादा डांट पड़ जाती, क्योंकि भाई देखिए दालें सब्जी बहुत महंगी हैं, और इस तरह से ना वेस्ट हो जाएगी, अगर कोई खाएगा नहीं तो फिर पैसा भी वेस्ट होता है। और पैसा क्या, मतलब अन्य को ही वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का यही मतलब था कि बर्बादी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अन्न हो, खाने पीने की चीज़ हो, या फिर पैसा हो, किसी भी चीज़ की बर्बादी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है, दाल भी बन चुकी है, और मैं ना रोटियाँ भी सेक कर रख लूँगी, क्योंकि आज मेरे पैरों में भी बड़ा दर्द हो रहा है। एक्चुअली मैंने वॉकिंग स्टार्ट की हुई है करीब महीने भर बाद, तो ना पैरों में थोड़ा सा हो जाता है, जब आप ना थोड़ा सा बीच में रेस्ट कर लो और उसके बाद में वॉकिंग जाना शुरू करो महीने भर बाद, तो पैरों में दर्द हो ही जाता है। तो आज बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं सो लूं, और आजकल ना नींद भी नहीं पूरी हो रही थी, तो नींद भी आ रही थी मुझे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने ना हिम्मत करके लंच बना लिया। और बस यही था कि नमक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, और बाकी का तो सब ठीक था। साथ में मैंने ना प्याज का रायता भी बनाया हुआ था। क्या होता है ना, रायता वगैरह रहता है ना, तो थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा होता है ना, तो रायते से बैलेंस हो जाता है, क्योंकि रायता थोड़ा सा खट्टा होता है, थोड़ा सा खट्टा क्या मतलब, रायता खाने में अच्छा लगता है, तो वो ना दाल हो या सब्जी हो, चीजों को बैलेंस करने का काम कर लेता है एक तरह से, और थोड़ा सा ना बढ़िया वाला फ्लेवर भी आ जाता है खाने में अगर रायता रहता है। तो यहाँ पर रोटियां सेकती जा रही हूँ, सेक के फोल्ड करके कैसरोल में रखती भी जा रही हूँ, और अभी ना बस स्कूल से बेटे के आने का टाइम होने वाला है, बस आ जाएगा 5-7 मिनट में, तो घड़ी की तरफ भी देखती जा रही थी और बाकी काम भी करती जा रही थी। तो देखिए अभी रायता बनाना बाकी है और दाल में तड़का देना बाकी है। तो ये देखिए, इसमें हमने ना साबुत प्याज ऐड की हुई थी, मतलब 4 टुकड़ों में कट करके, और लहसुन कूट के ऐड किया हुआ था, तो दाल तो भाई देखने में बहुत बढ़िया बनी हुई है, बस खाने में ना नमक ज्यादा था थोड़ा सा, बाकी दाल खाने में भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, दाल में ना सिंपल सा तड़का दूंगी, मैंने ना देसी घी में ढेर सारा हींग और जीरा ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा लास्ट में नहीं, और कुछ भी नहीं ऐड किया था मैंने, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि आज मेरा माइंड ही डिस्टर्ब है, मेरा कुछ भी मन नहीं लग रहा था करने में। तो ये देखिए दाल में तड़का लगा दिया है मैंने, बहुत सिंपल सा छौंक बनाया है, और ना जब ये वाला छौंक लगाते हैं ना, तो कभी कभी ना सिंपल वाला छौंक भी बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, खिचड़ी में तो खैर मुझे हींग जीरे का सिंपल छौंक ही पसंद आता है। और ये लीजिए, छौंक को ऐड कर देंगे दाल में, और हमारी दाल भी रेडी हो गई है, सिर्फ रायता रेडी करना है मुझे, तो रायता आज बनाऊंगी प्याज वाला। समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा रायता बनाऊं, तो मैंने कहा चलो प्याज वाला रायता ही बना लेती हूँ, एक बार आपको सब्जी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सब्जी हमारी भुजिया स्टाइल में बिल्कुल बनी हुई है। यहाँ पर मैंने ना एक बड़ी सी कटोरी है, अच्छा खासा साइज है इस कटोरी का, इसमें दही ले लिया है,
और दही को स्पून की हेल्प से ही अच्छे से मैं फेंट लूंगी ताकि इसमें लम्स या गुत्थियाँ बिल्कुल भी ना रह जाएं, बढ़िया एकदम दही हो जाए। इसको अच्छे से स्पून से अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पर ना मैं रायते के लिए प्याज कट कर लूंगी, तो ये छोटे साइज की प्याज ली हुई थी मैंने, और साथ में हरा धनिया ऐड करूंगी। पता है मेरे घर में ना खाने के बड़े नाटक हो जाते हैं, कोई कहता है मैं राइस नहीं खाऊंगा, कोई कहता है राइस खाऊंगा। अब एक के लिए बनाओ और दूसरे के लिए ना बनाओ ना, तो दूसरा वाला कहता है मुझे तो अब राइस चाहिए चाहिए। ऐसा आप लोग के भी घर में होता है ना? मेरे घर में होता है। अगर बेटा कह देगा मुझे तहरी खाना है, तो पिताजी कह देंगे कि मुझे रोटी खाना है। बहुत गुस्सा आती है यार, पता नहीं क्या ये। एक पता है रोज तो मैं खाना बहुत मन से बनाती हूँ, पर आज सच में ना मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और यहाँ पर देखिए रायते में मैंने प्याज ऐड कर दिया, हरा धनिया ऐड कर दिया, काला नमक ऐड कर दिया है, व्हाइट नमक ऐड कर दिया है, साथ ही साथ इसमें ये देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च और हरा धनिया ऊपर से और ऐड कर दूंगी। रायता तो खैर प्याज वाला बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए हमारा ना फाइनली लंच बनकर तैयार हो गया है। आखिर मैंने ना रोग आकर हंसकर जबरदस्ती करके लंच बना ही लिया। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली, प्याज का रायता है, मिक्स दाल है, परवल आलू की सब्जी है और रोटी है। आज मैंने ना राइस नहीं बनाए हुए थे। तो ये लीजिए हमारी सिंपल सी लंच थाली, आप लोगों को पसंद आई हो ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ढेर सारा प्यार ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और लाइक करके जाइएगा वीडियो को।